वाह भाई वाह, आज तो मजा ही आ गया पूजा दा। और दादी मैंने पापा रिश्मा की फोटोज खींचे। अच्छा दिखा दिखाओ जाओ। ले 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 ले, वेरी गुड, वेरी नाइस। इधर आओ पापा को भी दिखाओ। अच्छी फोटोज है। बस हो गया रुई, मुझे मेरा फोन दो, मुझे अपने फ्रेंड को फोन करना है। आदि आदि भैया को क्या हो गया, ऐसे क्यों चले गए? आदि भैया आप क्या कर रहे हो? इश्मा और पापा के इतनी अच्छी फोटोज क्यों डिलीट कर रहे हो? जो तो बड़ा मिशी मिशी मा करती रहती है, आई यू स्टूपिड। उस इश्ता ने तुझसे थोड़ी प्यार की बातें क्या कर ली, तो उनकी चमची बन गई। हमारी असली मम्मा की फिक्र है कि नहीं, किसी वो इशिता आंटी के पीछे पड़ी है। तू, मैं, पापा, शगुन मम्मा, हम सब एक फैमिली है। इशिता आंटी बाहर वाली, शगुन मम्मा हमारी असली मम्मा, उसके पापा हमसे ज्यादा प्यार करते। डोंट यू गेट दैट? आदि भैया लो, आप ज्यादा गुस्सा मत करो, क्योंकि आप पहले से ही बीमार हो, फिर आपको एक और बार हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। सुना था कि मुर्गन से कुछ भी मांगो तो वो दे देते हैं, सोचा तुम ही मांग लो। वो तो इस जन्म की सेटिंग हुई ना, अगले सातों जन्म की सेटिंग कर लेता हूँ। इशिमा, मुझे आदि भैया बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। क्या हुआ, ऐसे नहीं बोलते हैं? आदि भैया कह रहे थे कि इशिमा बहुत बुरी है और शगुन मम्मा बहुत अच्छी है। वो कह रहे थे कि मुझे दिखता नहीं है, मैं स्टूपिड हूँ। वो हमेशा ऐसे ही कहते हैं, मुझे नहीं बताना। इधर आओ, कम भैया को तो उनकी मम्मा अच्छी लगेंगी ना, क्योंकि वो उनकी मम्मा है, तो वो उनके लिए बेस्ट मम्मा होंगी। लेकिन आप ही मेरी मम्मा हो, फिर पापा किसके, आपके या शगुन मम्मा के? वर्ल्ड में सारे मम्मा पापा एक साथ रहते हैं, पर पापा दो दो मम्मा के साथ थोड़ी ना रह सकते। आदि भैया कह रहे थे के पापा दोनों में से एक को चूज करेंगे, तो वो आपको चूज करेंगे और शगुन मम्मा को चूज करेंगे। Listen, आदि भैया गुस्से में थे, और जब कोई गुस्से में होता है ना, तो उसकी बातों पे ध्यान नहीं देना चाहिए। और आपको एक बात याद रखनी है हमेशा, लाइफ लॉन्ग। क्या? कि आपके पापा आपसे बहुत प्यार करते हैं, आपकी ईशिमा वो भी आपसे बहुत प्यार करती है, और हम तीनों लोगों को लाइफ में कभी अलग नहीं होंगे। God promise? हमेशा याद रखना। गुड नाइट। अम्मा, आई नो
तेरे आदेश हो। रूही की बात सच है कि ऐसा कब तक चलेगा? रूही बच्ची है, वो तो कोई भी कुछ भी कहेगा उस बात को मान लेगी। और आती वो तो कितनी बुरी सिचुएशन में, तो अच्छा है कि उसे बहुत मुश्किलों से अपनों का प्यार मिला है अम्मा। लेकिन फिर भी उसके लिए ये बहुत ही टफ सिचुएशन है, वो तो पता नहीं क्या क्या सोच रहा होगा। इट्स ऑल राइट, इट्स ऑल राइट। वो लोग बच्चा है और तुम आननी, तुम ये सिचुएशन को हैंडल नहीं कर सकती ईशु, इसमें तुम्हारा बहुत नुकसान है करना। खैर, रमन को उसकी वाइफ और उसके बच्चों की अम्मा के बीच का डिफरेंस समझना होगा, जितना जल्दी उतना अच्छा। तुमको लगता होगा तुम्हारी अम्मा आज बहुत बहुत बोल रही है। ईश्वर, ये डिसीजन रॉन्ग है, तुम समझती नहीं है। तुमने पहले भी शगुन को ये घर में लाया था, क्या हो गया? कितना बड़ा प्रॉब्लम खड़ा हो गया। और एक न्याय में मेरे के ईशु, तुम बहुत अच्छी है, और ये तुम्हारा जो गुडनेस है ना, ये तुम्हारे रिश्ते को खत्म कर देगा। अम्मा, आपको क्या लग रहा है, मैं स्टूपिड हूँ क्या अम्मा? रियली अम्मा, आपको क्या लगता है मैं बेवकूफ दिखती हूँ आपको? अम्मा, शायद आपको ऐसा लगता है कि मुझे दूसरों की निगाहों में जो क्वेश्चंस होते हैं वो दिखाई नहीं देते। मुझे सब समझ में आता है, लोग क्या क्या सोच रहे हैं, मेरी फैमिली कितनी कंफ्यूज लुक्स देती है, मुझे सब दिखाई देता है अम्मा। अम्मा, मुझे सब समझ में आता है, मुझे दिखाई देता है, मुझे मालूम है कि सब लोग को लग रहा है कि मैं अपनी महानता दिखा रही हूँ, बड़ी देवी बनती फिर रही हूँ, त्याग कर रही हूँ, सिर्फ इसलिए क्योंकि मैं एक सौतन को उठा के घर लाई हूँ। लेकिन अम्मा, आप बताओ मैं क्या करती उस समय? मैंने एक बच्चे को बीच सड़क पे आधी रात को खड़े हुए देखा था, रोते हुए देखा था। वो बच्चा जो मेरे पति का बेटा है, जो मेरी बेटी का भाई है, जो मेरे सास ससुर का पोता है, मैं क्या कहती उससे? बेटा, तुम यही अपनी माँ के साथ कचरे में पड़े रहो। या ये कहती कि बेटा, तुम्हारी माँ हमारे साथ आने लायक नहीं है, सिर्फ तुम हमारे घर चलो, अपनी माँ जिसे तुम बहुत प्यार करते हो उन्हें यहीं पे छोड़ दो। माँ, क्या चाहते हैं सब लोग? सब चाहते हैं कि एक सौतेली माँ जैसा व्यवहार ना करे, और जब वो ठीक व्यवहार करती तो उन्हें लगता है कि महानता दिखा रही है। अरे, आई एम बीइंग ह्यूमन, इंसानियत दिखा रही हूँ अम्मा। मेरी कल शगुन मामा से बात हुई, वो सिडनी से वापस आ रही है। तो क्या आपकी मामा आ रही है ना? रुई, ऐसा क्यों बोल रही? वो तुम्हारी भी मामा है ना? रुई, वो हम दोनों की मामा। मेरी मामा तो इश्मा है ना, दोनों में फर्क है। रुई, आज तो शाम को एयरपोर्ट चलेगी ना, हम मामा को पिकअप करने जाए। नहीं, स्कूल के बाद मेरी टाइकोंडो क्लासेस है। रुई, एक दिन मिस कर देना ना, मामा कितने दिनों के बाद आई, उनसे नहीं मिलना, हम रास्ते में ही चेंज कर लेंगे ना। अच्छा, तुम्हें स्टोरी बुक बहुत पसंद है ना? तुमने इसमें एक बात नोटिस नहीं की? स्टेप मॉम अपने बच्चों को कितना रुलाती है, सर्वेंट बना के रखती है, और कभी कभी तो पॉइजन भी दे देती है। तो ये सब तो स्टोरीज होते हैं। अरे सच है, इसकी तो स्टोरी है ना, इसकी तो लिखा जाता है। लेकिन सब ऐसे ही नहीं होते आदि भैया। और आप क्या कह रहे हो, इश्मा मेरी स्टेप मॉम है? अगर आपको नजर नहीं आता तो मैं क्या करूं? इश्मा बहुत अच्छी है, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उनके आने से पहले पापा मुझे प्यार नहीं करते थे,